आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं इतिहास हिंदी विभाग और अंबेडकर स्टडी सर्किल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हम सब के मार्गदर्शक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन, विभिन्न जगहों पर और उच्च शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हमारे मार्गदर्शक अभिभावक, वरिष्ठ चिंतक गणितज्ञ और लोकप्रिय वक्ता जिनका अधिकार विविध भाषा विविध विषयों पर है, मैं अभिभूत हूं और गौरवान्वित हूं आपका स्वागत करते हुए। सर आपका स्वागत है। हमारा कॉलेज आज अखिल भारतीय स्तर पर सातवें रैंक पर है, यह सर का सपना और उनकी सोच थी, क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हुए इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज के उत्थान के लिए उन्होंने एक अपनी कार्य योजना बनाई थी और हम सबको, हमारे आदरणीय चेयरमैन सर और मुझे मौका दिया काम करने का, तो हमने इसको रूपायित करने का प्रयास की भर किया है, जिसमें आप सबका सहयोग और समर्थन मिला, इसके लिए आप सबका साधुवाद है। समय समय पर हमेशा विभिन्न अकादमिक विषयों पर और जो सांस्कृतिक भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें जब भी सर को आमंत्रित करता हूं तो बड़ी सहजता से, आत्मीयता से और एक पिता की तरह वो स्नेह देते हुए हमेशा मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, इसके लिए सर आपका आभार, धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर अनन्या वाजपेयी का, जो आज की प्रमुख वक्ता है, अभी सत्र की उद्घाटन सत्र की उन्होंने समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, वो विषय पर अपनी बात कहेंगी। श्री पवन जग्गी जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमेशा एक मजबूत स्तंभ की तरह कॉलेज के विकास के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं और मुझे प्रेरित करते रहते हैं, अगर कहीं काम में देरी हो रही है तो पूछते रहते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाए। तो ऐसे चेयरमैन को पाकर के हम सब लोग कॉलेज परिवार निश्चित रूप से गौरवान्वित है। सर आपका स्वागत है। आपका विषय जो भारत बोध इतिहास राजनीति और साहित्य को लेकर के जो संगोष्ठी का विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन हमारे जब से इतिहास है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, वहां से लेकर के अस्त अब तक की यात्रा में भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता शुरू से लेकर के अब तक रही है और उस विविधता में एकता ही हमारा सौंदर्य है और हमारी शक्ति है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए या रखा जाना चाहिए। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसने अपने आप को कभी बंद नहीं किया अपने दरवाजे, खुद अन्वेषण, खुद नई खोज, लेकिन साथ में वैश्विक स्तर पे जो भी होता है उसको लेने और समझने का यत्न किया। और मैं समझता हूं कि आज के समय में इसको समझना और जानना आवश्यक है कि समय के साथ शासक बदलते गए, सभ्यताएं बदलती गईं, लेकिन वो एक जो परंपरा है और जो हमारी संस्कृति है जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात और जिसमें एक दूसरे से मिलने की बात है, ये आज भी जारी है और ये जारी रहना चाहिए। तो वैसे तो ये विषय बहुत व्यापक है
और मुझे लगता है कि दो दिन की संगोष्ठी में हम कितना इसको समझ पाएंगे, लेकिन यह एक प्रयास है कि इतिहास, राजनीति और साहित्य के वृक्ष हम इसको समझने का यत्न करेंगे। मैं समझता हूँ इस छोटी सी कोशिश के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसको मैं बधाई देता हूँ। पुनः आप सबका स्वागत और धन्यवाद।